हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली CSS UG स्पोर्ट राउंड को लेकर है। बेसिकली बच्चे पूछ रहे हैं स्पोर्ट राउंड होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप PG वाले हो तो PG वालों को भी मैं कहूँगा डिटेल सारी सेम ही होती है, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को उस टाइम पे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं UG की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूँ। हाँ, ये पेज नंबर 22 है CSS UG के बुलेटिन से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, वैकेंट लिस्ट और मतलब स्पोर्ट राउंड होता क्या है। स्पोर्ट राउंड और नॉर्मल राउंड में डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल राउंड्स होते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड, उसमें जो बच्चे एडमिट हो चुके होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं दूसरे कॉलेज के अंदर। लेकिन स्पोर्ट राउंड में ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट राउंड केवल उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन्हें सीट अभी तक DU के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर किसी भी कोर्स के अंदर नहीं मिली है। ये होता है स्पोर्ट राउंड, ये एक मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ के भी बता देता हूँ, अगर यहाँ सीट वैकेंट रहती है तो स्पोर्ट राउंड अनाउंस करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ पे स्पोर्ट राउंड आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो प्रोफेसर हनीत गांधी मैम है DU एडमिशन डीन, उन्होंने कहा है कि 5 के सीट अभी वैकेंट है, तो स्पोर्ट राउंड अनाउंस होगा। मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी, चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने आप लोगों को प्रूफ दे रखा है न्यूज़ आर्टिकल का, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये कह रखा है, कैंडिडेट वो अप्लाइड फॉर CSS UG 2023 बट आर नॉट एडमिटेड, ठीक है, टू एनी कॉलेज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द स्पोर्ट राउंड कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एडमिशन। बेसिकली जो बच्चे अभी तक किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिट नहीं हुए, यानी उनका अभी तक DU के अंदर 3 राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो बेसिकली स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अब एक है, जो बच्चे एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूं, यहाँ साफ लिखा है ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पोर्ट एडमिशन, तो अभी स्पोर्ट राउंड अनाउंस होने वाला है बेसिकली, क्योंकि 3 राउंड तो हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ कहा है द डैशबोर्ड ऑफ ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट, जिनका बेसिकली एडमिशन हो चुका है उनका जो है फ्रीज कर दिया जाएगा एडमिशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है विल बी कैप्ट इन फ्रीज मोड एंड दे विल नाइदर बी कंसिडर फॉर अपग्रेड, और यहाँ पे बेसिकली आप लोग विड्रॉल भी नहीं कर सकते अपने एडमिशन और आप लोग अपग्रेड भी नहीं कर सकते। तो अपग्रेड में क्या होता था, जिन्हें कॉलेज मिल चुका होता था फर्स्ट में वो बेसिकली सेकेंड राउंड में अपग्रेड करवाते थे या थर्ड राउंड में, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, अगर आप लोगों का 3 राउंड में एडमिशन में अपग्रेड नहीं हुआ है लेकिन आप लोग एडमिट हो फर्स्ट राउंड में, आपको कॉलेज मिल गया था या थर्ड राउंड में मिल चुका है, तो अब आप लोग स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपका एडमिशन फ्रीज कर दिया जाएगा और आप लोग विड्रॉल यानी एडमिशन को कैंसिल नहीं कर सकते DU से, ₹1000 जो पे करने के बाद होता है। और अगर आप लोग एडमिशन कैंसिल, आपको अब दिखेगा भी नहीं, पोर्टल पे हट चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टू बी कंसिडर, बेसिकली आप लोगों को ना स्पोर्ट एडमिशन के लिए वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई करना है, जब डैशबोर्ड पर आएगा मैं पर्टिकुलर आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई चीज़ें मत करना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। लेकिन यही मेजर डिफरेंस है कि स्पोर्ट राउंड में वही पार्टिसिपेट करते हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। फॉर एवरी स्पोर्ट राउंड, बेसिकली जितने स्पोर्ट राउंड, क्योंकि देखो हो सकता है 2 स्पोर्ट राउंड आए, हो सकता है 3 स्पोर्ट राउंड आए, स्पोर्ट राउंड जब तक आते रहेंगे जब तक सीट वैकेंट रहेगी। बाकी यहाँ पर अभी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है, वो भी जब डिक्लेयर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो इन्होंने ये कहा है जब भी स्पोर्ट राउंड अनाउंस होगा उससे पहले वैकेंट लिस्ट आएगी, वैकेंट सीट आएगी, वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी, उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आर डिज़ायर कैंडिडेट विल बी एबल टू सेलेक्ट ओनली वन प्रोग्राम। बेसिकली अब नॉर्मल और स्पोर्ट राउंड में क्या फर्क है, नॉर्मल राउंड में क्या होता है, स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्स को सिलेक्ट करता है, जबकि यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग यहां पे मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल काफी बच्चे क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, पोलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये नॉर्मल राउंड में फिल करते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड में, ठीक है। स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, सिर्फ आप लोग एक ही कॉलेज मतलब एक ही कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक पॉलिटिकल साइंस के लिए फिर आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, उसे प्रेफरेंस को रीअरेंज करना होता है, आपका हो जाएगा बस, लेकिन सिर्फ एक ही। अब आपको फॉर एग्जांपल BSc जूलॉजी है तो सिर्फ BSc जूलॉजी पर ही अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है कि जूलॉजी के साथ आप लोग बॉटनी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्पोर्ट राउंड में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, सिर्फ एक ही कोर्स आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि स्पोर्ट राउंड ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाए, ये डिपेंड करता है उसमें कितनी सीट्स हैं और
आपकी मेरिट सही है, मतलब आपका नंबर सही है उस हिसाब से कैटेगरी है, फिर कॉलेज जो आप प्रेफरेंस आपको रीऑर्डर करने को मौका मिलता है। लास्ट ईयर प्रेफरेंस को रीऑर्डर करा गया था, ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो इट विल बी मैंडेटरी द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन द सीट एलोकेटेड। बेसिकली आप लोगों को जब स्पोर्ट राउंड अनाउंस होता है, आप लोगों को जब एडमिशन में जब यानी सीट मिल जाती है उस कोर्स के अंदर, तो भाई आप लोगों को वहाँ पे सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। ये चीज़ ध्यान रखो, फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन द स्पॉट एडमिशन विल बी फॉरफिट द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड शी विल बी आउट। बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे सीट स्पॉट राउंड में मिल जाती है और अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप लोग को CSS राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। बेसिकली अब आपका एडमिशन ही नहीं होगा DU के अंदर। देयर विल बी नो ऑप्शन अपग्रेड एंड विदड्रॉ ड्यूरिंग द स्पॉट एडमिशन राउंड, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग अपग्रेड और विड्रॉल एडमिशन नहीं करवा सकते स्पॉट राउंड के अनाउंस होने पर, ठीक है, जब तक स्पॉट राउंड चलेगा। द सीट एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्पॉट एडमिशन राउंड विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेडेड एनी सब्सिक्वेंट राउंड और स्पॉट एडमिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको सारी यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। स्पॉट राउंड में केवल एक कोर्स ही सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको प्रेफरेंस रीअरेंज करने का मौका मिलता है। ये सारी उस टाइम पे मैं डिटेल में बता दूंगा, आपको दिखा दूंगा कैसे करनी है सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है स्पॉट राउंड में जिन्हें अभी तक एडमिशन नहीं मिला DU के अंदर, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं स्पॉट राउंड में, ठीक है। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है स्पॉट राउंड को लेकर, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जब इंस्टा पे मैसेज करो तो डिटेल में मैसेज करा करो कि UG के बारे में पूछ रहे हो या PG के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी PG वाले भी पूछ रहे हैं, तो मैं उन्हें PG की अपडेट देता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों का अभी मैं बता दूँ, PG की अभी सिर्फ सेकंड लिस्ट आई है। तो ये आपको ध्यान रखना, आप किसकी लिस्ट के बारे में पूछ रहे हो, UG या PG, तो ये डिटेल में आप लोग बता देना, ठीक है। बाकी मैंने इंस्टा ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।